एक घंटे में तीन गोल्ड मेडल को, तो मेरे ख्याल से ये कोई उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में एक घंटे में तीन गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और वो तीनों रेसलिंग में किए हैं, जिसमें से एक फीमेल है और दो मेल है, इस बारे में क्या कहेंगे? कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। इस बारे में तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, जाहिर है बहुत अच्छा जो है उन्होंने इसमें जो है विन किया सारा कुछ। लेकिन उनके ये जीतने की वजह बताऊँ क्या है, उनकी ट्रेनिंग और उनका सब कुछ जो है ना बहुत डिफरेंट है यहाँ से। यहाँ पे लोगों को सही तो नॉलेज ही नहीं है, यानी लिटरली आप यहाँ के क्लब्स, फुटबॉल क्लब्स में भी जाओ ना तो क्रिकेट कोचेस जो आपको फुटबॉल की कोचिंग दे रहे होते हैं। तो ये मसला है कि वहाँ के जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक कोचेस हैं जिनको एग्जैक्टली हर चीज़ का नॉलेज है, उन्हें पता है मैंने किस चीज़ को किस तरह लेके चलना है। तो इस वजह से जो है ना वो अपने प्लेयर्स को ज़्यादा अच्छा ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, तो क्यों इंडिया स्पोर्ट्स में इतना इन्वेस्ट करता है, वजह? इसकी वजह सबसे पहली बात तो ये कि उनकी इकोनॉमी देख लें, यानी उनका जो है ना ओवरऑल देखा जाए तो उनकी इंडस्ट्री वगैरह देख लो, वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है। ओ भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो ये वजह है कि वो जो है ना इसमें करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बाकी अगर देखा जाए पाकिस्तान के, तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, तो वो बाकी चीज़ों पे कैसे फोकस करेंगे? सिर्फ इंडिया, ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज भी अब इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू हो गई हैं। इंडिया सिर्फ क्रिकेट से हटकर फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, या जितने भी जिमनास्टिक गेम्स होगी उस पर पूरे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं क्लब। प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट को हाइप दी जाती है, हमारे यहाँ पे क्लब्स नहीं उस तरीके से बने हुए, प्लेयर्स को उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड्स नहीं है। क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि बात वही आती है अवेयरनेस और नॉलेज, लेकिन उससे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यहाँ आपको क्रिकेट के ग्राउंड्स, क्लब्स, हर चीज़ मिलेगी। गजब बेइज्जती है। लेकिन उसके अलावा आप किसी और स्पोर्ट्स में जाते हैं ना, ये ले बास्केटबॉल ले ले, वॉलीबॉल ले ले, आपको मुश्किल से हार्डली यहाँ दो तीन कोर्ट्स नज़र आएंगे। फिर जो फुटसल है, प्रॉपर फुटसल वुडन फील्ड पे होता है, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में तीन चार वुडन फील्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान में। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तो और किस तरह हम कामयाब हो? बिल्कुल, यानी मैं खुद जो है ना यूएसए का इवेंट खेला हुआ है। अच्छा, और हम लोग फुटसल ही खेले थे और हम लोग यहाँ पे जो है ना ग्रास पे ट्रेनिंग करते थे, और जब हम वहाँ गए तो हम वुडन फील्ड पे खेल रहे थे, हमारे लिए कम्प्लीटली एक नया। हाँ, तो अच्छा वही ना, जब हमें आप ट्रेन उस तरह नहीं करेंगे, आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, तो फिर हम कैसे परफॉर्म करेंगे? यार ये हमारे साथ इंटरनेशनल फुटबॉलर है, हमें तो मिल गए हैं। अच्छा, कोई पैगाम हमारी गवर्नमेंट को देना चाहोगे? यार काम करो स्पोर्ट्स पे, काम। जैसे अभी अभी हमारे एक नूर अहमद नाम के प्लेयर्स हैं, हाँ जी, वेट लिफ्टिंग में उन्होंने गोल्ड लिया है, तो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया? हमारे जो बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने 20 लाख उनके यानी कि 2 मिलियन उनको एज अ गिफ्ट दिया है। तो सही खेल गया बैंच। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो हो रही हैं, इंडिया ने रेसलिंग में एक घंटे में तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से एक फीमेल और दो मेल हैं, जिसमें से फीमेल का नाम है साक्षी मलिक, मेल का नाम है बजरंग पूनिया, और तीसरे का नाम आई थिंक मुझे दीपक पूनिया। एग्जैक्टली, मुझे लगता है आप देखते हैं जी, जी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग। देखिए, इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो नीरज चोपड़ा, ठीक है, जिनको कि पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन मिली थी,
और ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीता, तो मेरे ख्याल से ये कोई उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात। क्या बोला तूने? नहीं है। हाँ, अगर इस लिहाज पे देखा जाए कि एक घंटे के अंदर 3 गोल्ड मेडल, तो ये तो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और देखें उन लोगों ने या उस देश ने, ठीक है, मेरे ख्याल से क्वालिफाई 1 घंटे में 3 गोल्ड, 3 गोल्ड मेडल को। कितनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इंडियन रेसलर, जिसमें एक फीमेल साक्षी मलिक के नाम से और 2 मेल रेसलर्स हैं, उन्होंने 1 घंटे में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इन केस दूसरी तरफ देखें तो नूर अहमद, जो हमारे पाकिस्तानी रेसलर हैं, अभी तक हमें 1 गोल्ड मिला है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडिया को अप्रिशिएट करूँगा इसके लिए कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उनके 3 रेसलर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है ना वो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी परफॉर्मेंस को देखें, वी आर डूइंग गुड, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी तरफ से भी मिस्टेक्स हैं, लाइक हमारे प्लेयर्स की कुछ खामियां, कुछ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। नॉट बैड ना यू। की मूर्ति बननी चाहिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।